हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ इब्राहिम रोज़ा के पास, एक बीजापुर में जो लोकेशन हुआ है। आप देख सकते हो कि ये है जो इसका एंट्रेंस, और इसके लिए आपको मैं डिटेल्स बोल देना चाहता हूँ कि आपको इधर 25 रुपीज़ टिकट देकर अंदर आना होगा। सो फ्रेंड्स, मैं शरण और आप देख रहे हो मेरा टेक चैनल टेक दोस्त शरण। लेकिन आज है मेरा ब्लॉग और यह सेकेंड प्लेस ब्लॉग का, और वो है हम इब्राहिम रोज़ा के पास। और चलिए दोस्तों, इसका जो आर्किटेक्चर का इंफॉर्मेशन डिटेल्स मैं आपको बोल दूंगा, और ये है जो ग्रीनरी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ इब्राहिम रोज़ा के पास, और इसको हम बोल सकते ट्रांसलेट कर सकते इब्राहिम रोज़ा भी। और दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर दो द्वार है, और एक देख सकते हो ये है एक ऑनियन शेप का डोम मैं आपको दिखा रहा हूँ। उधर ऊपर की तरफ सब देख सकते हो, और ये कम्प्लीटली 3 आर्किटेक्चर्स, एक इंडियन आर्किटेक्चर, एक पर्शियन आर्किटेक्चर, एक अरेबिक आर्किटेक्चर, ये तीनों मिलाकर इधर किया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि और इंडियन आर्किटेक्चर जो है, बीच में आप देख सकते हैं कि ऑर्नामेंट सब ऐड किया गया है, और जो डोम शेप है वो है ऑनियन शेप का। चलिए दोस्तों, इस तरफ का हो गया, और जो मेन हमारा एक्चुअली ये जो एक आर्किटेक्चर जो वर्क हुआ है इधर, एक्चुअली ये 2 डेकेड लिया है, और इसका जो स्टोन्स जो यूज़ किया है वो हमारा बीजापुर से यूज़ किया है, वो है बसॉल्ट स्टोन। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हो कि ये है एंट्रेंस जो मैं अभी आ गया हूँ, और अभी इस तरफ भी हम जाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इधर की तरफ से, और मैं आपको एक बहुत बोलना चाहता हूँ, ये जो एक्चुअली था दोस्तों, पहले जो एंड का मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये प्लान्ड नहीं था। पहले जो है पर्शियन आर्किटेक्चर यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर भी इसमें आ जाएगा दोस्तों, लेकिन जो मेन थिंग कॉन्सेप्ट था वो पर्शियन आर्किटेक्चर का, सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, उतना ही आइडिया था। लेकिन बाद में इसको और शानदार की तरह शानदार बनाने के लिए बाहर ऐड किया गया है, और जो ऐड किया हुआ स्टोन्स हम आराम से देख सकते हैं, मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा दोस्तों। और उससे पहले मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो है कंप्लीट प्लान्ड था, लेकिन जो लास्ट मोमेंट मैं बोल सकता हूँ, या फिर इस स्केलिंग करेक्ट करने के लिए कुछ ऐड किया गया है। चलिए देखते हैं, अंदर की तरफ जाएंगे। दोस्तों, अभी मैं जो अंदर की तरफ आ रहा हूँ, जो आदिल शाह जो बीजापुर में फेमस थे, जिनका रिमार्केबली एक मतलब हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं, उधर उस जगह पर मैं आज हूँ। अभी मैं जो ये जो दिखा रहा हूँ वॉल्स, ये एक्चुअली प्लान्ड नहीं थे, एक्चुअली ये कहाँ तक था, मतलब मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक करने का आइडिया था, लेकिन जो बाद में जो आप सोच सकते हो कि मैं मतलब एंड इधर दिया गया है, यानी कि इधर तक ही इसको एंड करना था, लेकिन इसको और बेहतरीन या फिर शानदार बनाने के लिए और एक ऐड किया गया हुआ, वो है पर्शियन आर्किटेक्चर के बाद इंडियन आर्किटेक्चर, जो आप देख सकते हो कि हमको लाइनिंग्स और डिजाइनिंग्स जो है सब कुछ इंडियन आर्किटेक्चर का मिलेगा इस यहाँ पर दोस्तों। और लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अरेबिक आर्किटेक्चर भी एंट्री हो गया, इसलिए मैं देख अब देख सकती हूँ कि यहाँ पर जो है वर्डिंग सब अरेबिक आर्किटेक्चर में है, और ये डिज़ाइनिंग्स में अब हमको तो ये डिज़ाइनिंग लग रहा होगा, ये जो है अरेबिक में कुछ वर्ड्स लिखा गया है दोस्तों, और ये है कम्प्लीटली एक बसल्ट स्टोन यूज़ कर किया है, कितना हार्ड है मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअली एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक बड़ा सा महल है दोस्तों यहाँ पर, एक्चुअली मैं ड्रोन शॉट करना चाहता था, लेकिन ड्रोन अलाउड नहीं है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए मैं अपने फ़ोन से ही कर रहा हूँ, अपना कैमरा से ही कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है हॉर्स या फिर और वो एक बड़ा सा महल है दोस्तों, आपको पता ही होगा, अंदर कुछ गेस्ट के लिए रूम्स और वगैरह वगैरह दोस्तों, यहाँ पर हॉर्स के लिए या फिर उनका जो सोल्जर्स हैं उनके लिए रहने के लिए रूम्स, सभी चीज़ हमको मिलेगा दोस्तों। और ये जो गार्डनिंग है, मतलब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो है बाद में किया गया है, और ये महल बनाने के लिए 15 से 17 सेंचुरी तक टाइम लिया गया, मतलब ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, ये तो बढ़िया बात है दोस्तों। सो फ्रेंड्स,
आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके हैं और यहाँ पर है टूरिस्ट लोग भी आ चुके हैं और भी फॉरेनर से. चलिए उनसे इंटरेक्ट करेंगे लेकिन इंग्लिश में. सो लेट्स आस्क सम क्वेश्चंस टू देम. सो हेलो सर, एक्चुअली आई एम अ यूट्यूबर टेकदोस शरण. टुडे आई एम हियर टू जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चंस ऑन दिस इब्राहिम रोज़ा. हाउ आर यू फीलिंग दिस बीजापुर? फर्स्ट यू टेल, इज क्लाइमेट ओके फॉर यू? इट्स वेरी हॉट. जनरली इंडिया इज वेरी हॉट एंड टुडे इज अ हॉट डे. ओके, सो या, इट्स वेरी हॉट. यू स्पेशली केम टू बीजापुर और इट्स अ इंडिया टूर? इट्स एन इंडिया टूर. कर्नाटका टूर. ओके, लाइक टू ट्रैवल वन मंथ इन कर्नाटका. ओके, वेरी वेरी ओके. एंड वी अराइव्ड टू बेंगलोर. ओके, देन वी केम टू मैसूर एंड देन गोकाना, हम्पी. हम्पी, या, नेक्स्ट प्लेस. यस, it's a complete based on Indian architecture, right? Correct. Yes. Hampi is the fame because the Karnataka is known for Hampi, and this is the place like Mughal. There was some conflicts in 15th century. Actually, almost two it took 2 decades for to make this fort. We can say that. Okay. Yes. So, how's the stones? Do you have any information about what stone has been used to make this? No. Can you tell us? It's a basalt stone which we get only in Bijapur. Okay. It's famous. And this is actually 3 architects have been used to make this. One is Persian architect. Later it has planned in Islamic, Hindu, and the script which has written it is in Arabic. Okay. Okay. Thank you. Thanks for coming to Bijapur. Actually, we are from Karnataka only. Nice. आपको पता चल जाएगा कि एक फॉरेनर्स जो हमारे जगह पर आए तो हमको कितना खुशी मिलेगा. हिस्टोरिक प्लेस को वो लोग देखने के लिए आए, वो भी हमारे बीजापुर को, तो एक हैप्पी मोमेंट ही रहेगा ना दोस्तों. एक मैं आपको अंदर की तरफ लेकर जाऊंगा अभी. चलिए दोस्तों, मैं जल्दी आपको दिखा दूंगा. ये जो है, मैं आपको बोल दिया हूँ कि सब कम्प्लीटली अरेबिक में लिखा गया है. मैं पढ़ नहीं सकता हूँ और मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ. इधर थोड़ा साइलेंट रहना होगा. और दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो है ऊपर की तरफ से, ये 13 मीटर से बनाया गया है और कम्प्लीटली लोटस शेप का डोम है. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो है इब्राहिम का मदर का जो प्लेस है और जो मेन किंग है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इब्राहिम रोज़ा का. वो इधर ही उनको ये बरीड किया गया है और जो लेपाजी में है लेफ्ट में उनका मदर को, और इधर उनके वाइफ को, और इधर जो है उनके सन्स को, मतलब उनके बच्चों को. सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कितना शांत है इधर. एक्चुअली वीडियोस अलाउड नहीं है, विद परमिशन हम वीडियो बना सकते हैं, इसलिए मैं बना रहा हूँ दोस्तों. और ये आप देख सकते हो कि कुछ अलग आर्किटेक्ट इधर हमको देखने को मिल रहा है. एक हमारे घर पुराने घर जैसा रहते हैं हमको, वैसे हमको दिखने को मिल रहा है. आप देख सकते हो कि इधर डोर भी हमको मिल रहा है और काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्ट मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर किया गया है दोस्तों. आप ज़रूर आज आइए बीजापुर को, इब्राहिम रोज़ा को, क्योंकि ये प्लेस आप मिस नहीं कर सकते दोस्तों. क्योंकि ये जो आर्किटेक्ट मेरे को बहुत पसंद आ गया है, मतलब डिज़ाइनिंग जो आप देख सकते हो कि जो इधर डिज़ाइन बनाया गया था विंडोज़ का, अभी नहीं है, मतलब डिस्ट्रॉय किया गया है. मतलब एक्चुअली वैसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो हिस्टोरिक मोमेंट है हमको कभी फिर से नहीं मिलेगा दोस्तों. इतना पेशेंस आज के ज़माने में किसी के पास नहीं है दोस्तों. जो किया गया है उसको क्यों डिस्ट्रॉय करना, उसे सेव करो दोस्तों. आप देख सकते हो कि कितना अच्छा तरह से इधर बनाया गया है. ये सब जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सभी एक ही शेप से बनाया गया है, लेकिन जो लास्ट में जो मदर का है उसको थोड़ा डिफरेंट शेप्स दिया गया है. इधर देख सकते हो कि इधर हमको टोम मिल रहा है एक छोटा सा, लेकिन एंड में जो मॉम को है वो नहीं दिया गया है. ये ही है डिफरेंस दोस्तों. मतलब पुराने ज़माने में भी कुछ थिंक कर ही वो लोग करते थे. एक फॉरेनर से मिलकर इतना खुशी हो गया. वो लोग कर्नाटका टूर को आए थे दोस्तों, हम्पी गए और अभी आज बीजापुर को भी आए. यार हैप्पी तो होता है ना, कर्नाटका में भी आ रहे और हमारे जगह देख रहे हैं. तो चलिए दोस्तों, ये जो मतलब इतना बढ़िया तरह से बना रहे हैं, हमारा बसल्ट स्टोन यूज़ कर इतना बढ़िया सा महल हम देख रहे हैं. एक खुशी होती है जब भी हम यहाँ पर आता है, एक पीस मिलता है, मन करता है कि यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके. और मैं आज आ गया बाहर और मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा दिख रहा है. कम्प्लीटली यार अरेबिक में लिखा गया है, मेरे को पढ़ने को नहीं आता अरेबिक, या फिर मैं कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ कमेंट करो. अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो
प्लीज़ मतलब अभी मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये जो व्लॉग है इब्राहिम रोज़ा का है, अभी मैं जा रहा हूँ इसके बाद गोल गुंबस और ऐसे वीडियोस में बनाता रहूँगा और सून मैं आपको और वीडियोस में दिखाऊँगा। और वो जो है ऑनियन शेप्स का बनाया गया डोम है दोस्तों, इसलिए मैं उधर भी आपको दिखाऊँगा, मतलब इधर जब भी आते हैं हमको पीस मिलेगा दोस्तों। अभी जाएंगे गोल गुंबस को सून, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा फ्रेंड्स के साथ मैं भी जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स इतना ही है और जो मतलब उतना देखने की बात ही नहीं है उधर लोग ऑनियन डोम जो हम देखते आपको यहीं से दिखा रहा हूँ, अंदर सेम टू सेम है दोस्तों। जो मेन थिंग है वो है डोम के ऊपर हमको एक लाइनिंग मिल रहा है, जो वैरायटी या फिर मतलब अलग ही है बीजापुर में, कुछ डिफरेंट हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा क्लोज मैं आपको लेकर जाऊँगा दोस्तों, आप देख सकते हो एक लाइनिंग हमको मिल रहा है यहाँ पर एक होल की तरफ, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो एंट्रेंस के द्वार है, जो किंग लोग यहाँ से आते थे और जो हॉर्सेस सब वहाँ पर बांधा गया था और सोल्जर्स भी यहाँ पर रहते थे जैसे कि हम फिल्म्स में सब देखते थे। चलिए दोस्तों यहाँ से जाते हैं और मैं आपको मिलूँगा इस वीडियो कंटिन्यू कर कर, वो भी बीजापुर में ही। मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ, बीजापुर का ब्लॉग मिस कर मत करो क्योंकि मैं आपके लिए ला रहा हूँ इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। लाइक अभी जा रहा हूँ मैं, देख सकते हो कि कितना बढ़िया प्लेस है, ऑलमोस्ट ऑल मैं 360 डिग्री आपको कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसका प्लेस में बहुत इंटरेस्ट आया, बढ़िया प्लेस है दोस्तों। यहाँ पर लोग भी बहुत इंटरेक्टिव मिले, मेरे को फॉरेनर्स मिल गए या फिर इतना खुशी होता है कि जो फॉरेनर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों। थैंक यू, फिलहाल के लिए इतना ही, जाते हैं अभी गोल गुंबस को। 67, 68, 69, 70, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and I'm on the 6th floor, 99, guys just 1 for 100। देख सकते हो कि इधर थके हुए बैठे हैं हमारे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग है इधर। ओके स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट गेम्स। 100, 74, 75, 76, 77, 78.